न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मैं मौजूद हूँ रीवा के लक्ष्मण बाग। लक्ष्मण बाग का अपना एक अलग अतीत है, अपना एक अलग इतिहास है। जी हाँ, मेरे पीछे आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय जो दृश्य देख रहे हैं, ये कोई मामूली दृश्य नहीं है। ये रीवा महाराजा जब पुरी गए थे, वहाँ से, जैसा कि आप सबको मालूम है, पुरी में बलराम की शोभा यात्रा निकलती है, रथ से निकलती है, उसको आम लोग अपने हाथों से खींचते हैं। इसकी बात आज नहीं, आज लक्ष्मण बाग इसका सीधा समर्थक है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण के बारे में बातचीत होगी। हमारे साथ यहाँ के मेन पुजारी मौजूद हैं, राम सजीवन जी। हम उन्हीं से जानेंगे इस जगह का नाम लक्ष्मण बाग क्यों पड़ा। ठीक है, लक्ष्मण बाग नाम पड़ने का मूल कारण था महाराजा रघुराज सिंह की तबीयत खराब होना। उनके तबीयत खराब होने के बाद जब वो संत जी आए तो उन्होंने लक्ष्मण जी के प्रभाव के द्वारा उनकी शांति किया, और शांति के बाद उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि कोई काम बताया जाए, तो संत ने आज्ञा दिया कि यहाँ लक्ष्मण जी का स्थापना कराओ। स्थापना हुई महाराजा रघुराज सिंह के जमाने पर। उसके बाद जब सयाने हुए, उनका राज तिलक हुआ, तो उनके शरीर में कुष्ठ निकल आया। कुष्ठ निकलने के बाद फिर वो परेशान होने लगे, तो फिर उनके गुरुदेव ने कहा कि आप जगन्नाथ भगवान की मूर्ति ले आओ और उन्हीं की स्थापना करो, वही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। वो पुरी गए, वहाँ जाकर तुला दान किया। तुला दान करने के बाद इस मूर्ति को वहाँ से निकलवा कर ले आए। वही मूर्ति आज जो यहाँ पर विराजमान है, जिसका प्रभाव आज महाराजा विश्वनाथ सिंह के बाद रघुराज सिंह के जमाने से आज तक चल रहा है। लक्ष्मण बाग की स्थापना कैसे हुई? लक्ष्मण बाग की स्थापना तो हो गई, कालांतर में धीरे धीरे राजशाही खत्म हो गई। आज दूसरा जमाना है, यहाँ पर इस समय प्रशासनिक अमला इस पूरे मंदिर परिसर की देखभाल करता है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात फिर कभी की जाएगी। आज बात, क्योंकि यहाँ पर कुछ कांग्रेस के नेताएं हैं, लक्ष्मण जी को ज्ञापन देने, भगवान राम के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है आज बात इसी। मैं आपको, अपने दर्शकों को बता दूं, थोड़ा संच पीछे ले चलता हूं, 4-5 दिन पहले ले चलता हूं। अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इन दिनों वो फिर से एक बार सुर्खियों में, वजह सीधी साधी साफ। वहां पर एक प्रॉपर्टी खरीदी गई 2 करोड़ की, जो कि बाद में 18.5 करोड़ में बिकती है। ठीक उसी से लगी हुई एक प्रॉपर्टी और खरीदी जाती है, जो बिकती है 8 करोड़। अब आप खुद समझिए, अगल बगल की 2 जमीनों के बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों? बड़ी बात है, भगवान राम का भव्य वहाँ मंदिर बन रहा है। जो लोग मंदिर बना रहे हैं, इस बात का जवाब वही लोग दे सकते हैं। बाकी आम आदमी के बारे में को तो इस बारे में कुछ पता नहीं। हालांकि ये सारी बातें बेमानी है। आज यहाँ पर कांग्रेस के लोग ज्ञापन देने आए, क्यों आए आप आज यहाँ ज्ञापन देने, जरा ये बताइए। हम लोग ज्ञापन देने इसलिए आए हैं, आज राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर राम मंदिर में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा, आपने ये देखा कि अभी जिस तरह 8 करोड़, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़, 8 करोड़ की जमीन बगल में 18 करोड़, जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, जब कांग्रेस के लोग उसको उठाते हैं भ्रष्टाचार को, तब भाजपा के लोग उनको राम विरोधी कहने लगते हैं। हमारे देश में 7 साल से एक संस्कृति चल चुकी है कि उनके भ्रष्टाचार का जब अपन लोग विरोध करें, पत्रकार विरोध करें, भाजपा कांग्रेस विरोध करें, आम लोग विरोध करें, तो उनको देशद्रोही कहा जाता है। एक उनकी परिपाटी चल चुकी है कि जो भी भ्रष्टाचार या कि सरकार के खिलाफ जो बोलेगा, बस वो देशद्रोही होगा। जो भगवान राम के जो मंदिर में 140 करोड़ लोगों के साथ जो विश्वासघात किया जा रहा है, उसके बारे में अगर कोई उठाए तो उसे रामद्रोही कहा जाता है। भाजपा की संस्कृति है, उनके खिलाफ जो बोलेगा वो अपने आप देशद्रोही हो जाएगा। हमारे साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह जी हैं। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं लक्ष्मण बाग में। ज्ञापन देने की बात तो हुई, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर लगातार, अभी आप लोग राम धुन के तमाम तरीके से भाजपा को जगाने की कोशिश कर रहे थे या सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे, वजह क्या है और क्या चाहते हैं?
राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे जो खेल हुआ, तो अब देश के अंदर सबको लगने लगा कि राम खतरे में है। इसलिए हम आज लक्ष्मण जी के पास आए, भगवान लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण माघ मंदिर पे आए, क्योंकि यह पूरे बुंदेलखंड और विंध्य का आस्था का केंद्र है कि हे प्रभु लक्ष्मण, इस राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो भ्रष्टाचार किया है मोदी और योगी ने, योगी संत हैं, महात्मा हैं, और ये दुर्भाग्य है कि अब संत और महात्मा मुख्यमंत्री बनते हैं और भ्रष्टाचार के उनके लोग लिप्त होते हैं, और मोदी धृतराष्ट्र बन गए हैं या क्या बन गए हैं ये मोदी जाने, ले आप मोहन भागवत धृतराष्ट्र बन गए हैं, कौन धृतराष्ट्र के रूप में इस देश के अंदर काम कर रहा है, या हम आम जनमानस को समझना होगा। और देश के अंदर राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे जो खेल हुआ है, इसी तरह रीवा के अंदर भी लक्ष्मण माघ मंदिर के अंदर भी यह खेल चालू है, और इस खेल में भाजपा के नेता और भाजपा के लोग ही सम्मिलित हैं, दूसरा कोई नहीं। यहाँ पर भाजपा के लोग ही सम्मिलित हैं। एक सीधा सा सवाल यहाँ कुछ लोगों ने उठाया था, उनका ये कहना था अयोध्या में जिस जगह पर जमीन खरीदी गई है, जब एक ही सर्किल रेट है और एक ही आदमी की जमीन है, अगल बगल जमीन है, तो दो दाम क्यों? एक छोटा सा सवाल का जवाब यहाँ के लोग चाहते हैं, हालांकि ये सवाल इस देश के 140 करोड़ लोग भी जानना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा भारतीय जनता पार्टी या राम मंदिर से जुड़े हुए लोग इस बात का जवाब कब देते हैं।